everyone, welcome to my channel, welcome back. तुम्हारे लिए जैसे कि आपको पता है कि हम सब क्या करता हूँ कि अनबॉक्सिंग करता हूँ यार, कोई नई चीज़ प्रोडक्ट आती है मार्केट में, हाँ ठीक है अनबॉक्सिंग, बट अभी क्या है कि ना बहुत पुरानी चीज़ है मगर मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ आप लोगों के सबके सामने. सो ये चीज़ है आपके सामने मैं लेके आया हूँ, बहुत सारे रेगुलर यूज़ करने वाली चीज़ें जो घर में हमेशा कंटिन्यूसली हम लोग यूज़ करते हैं. तो मैं अपने अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ. मैंने लेके मंगाया है मैंने टैंडम का इंडक्शन स्टोव जो कि 1400 वोल्टेज का है ये. तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा कि ये कि शॉर्ट टर्म में बड़ी जल्दी गर्म भी हो जाना है, बड़ी जल्दी अच्छे खाने बन जाना है. तो बहुत अच्छा है, वैसे भी ट्रेडमार्क मिला हुआ है इसे TM करके, ये रहा आपने देखा होगा TM करके मिला हुआ है, अच्छा है. बारी बाकायदा किफ़ायती गेम उसमें है, बजट में 1+1 जो है वारंटी है. सो मैं इसे ओपन करने वाला हूँ आप लोगों के सबके सामने और उसके कुछ रिव्यूज होंगे वो भी मैं आपको शो करने वाला हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग हमारे सामने सबसे पहले बिल है. मैं अभी लेके जो आया हूँ ये विशाल मेगा मार्ट से लेके आया हुआ हूँ, तो जो कि मेरे घर के नियर बाय पड़ता है ये. तो ये बिल है वहाँ का जो कि हमें उन्होंने दिया है, 2 साल की वारंटी के साथ है. यहाँ पे डेट भी मेंशन हो रखी है देखो. तो ये हमारा वारंटी कार्ड हो गया, 1+1 वारंटी होती है इसकी. तो अभी मैंने वहाँ पे एक बार चेक किया था इसे, बॉक्स खाली हो गया, दैट इज़ वन ऑफ द पैकिंग. हाँ लगभग मैं इसका अमाउंट भी बताऊँगा आपको, अमाउंट कितने का है ये न्यूली. सो बहुत अच्छा है यार ये, मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग यूज़ करो. और काफ़ी अच्छा टैंडम का है, लिखा हुआ है साफ साफ हाई परफॉर्मेंस प्लस लोअर बिल्स, मतलब ये परफॉर्मेंस अच्छी देता है और बहुत कम किफ़ायती बिल में, मान लो कि आपका बिल इतना नहीं आने वाला इसके अंदर. हाँ वैसे नॉर्मली जो गैस चूल्हा होता है वो उसमें 1200 रुपये का सिलेंडर आता है, बट हाँ इसमें 800 रुपये का बिल समथिंग बैठेगा मंथली, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा महंगा होगा. तो आपका सिलेंडर इतना महंगा है और अभी बढ़ते दौर में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है, डैट्स कॉल ये मैंने मंगाया है. तो इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं वो मैं आपको ज़रूर दिखाने वाला हूँ और कुछ ये ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ. चालू है और काफ़ी अच्छे है, किफ़ायत उसमें गर्म वगैरह होता है, ठीक ठाक है मैंने सुना है इस चीज़ को लेके. तो अनबॉक्सिंग तो मैंने आपको कर दी है, बाकी मैं इसका जैसे ही मैं यूज़ करूँगा ओपन करके मैं आपको ज़रूर दिखाने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या एरर्स भी आती है. कुछ एरर्स आती हैं कि कस्टमर बोलते हैं कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है, तो वो लोग कितना बार बार ये चीज़ लेके दुकान पर जाते हैं. तो इवन मैं भी, मेरे पास पहले भी था एक, तो मैं गया था दुकान पर तो मुझे समझ में नहीं आया क्या करना है. तो मैं इस चीज़ को लेके मैं अनबॉक्सिंग भी कर रहा हूँ, उसके साथ साथ एक प्लस वीडियो बनाने वाला हूँ आपके साथ कि इसमें जो एरर्स आ रही हैं वो चीज़ कैसे रिमूव करें हम. कभी क्या होता है कि ना हम किसी के लिए न्यू होता है तो वो दिक्कत आती है कि वो चलाएगा कैसे, कैसे यूज़ करना है उसे, उसे ये नहीं पता होता कि हम कैसे यूज़ करना है हमें. बट एटलीस्ट इतना है कि इसे मैं अपने वीडियो डालूँगा और आपको अच्छे से कंफर्म हो जाएगा कि हमें कैसे यूज़ करना है. मैंने देखा बहुत लोगों की वीडियोस नहीं पड़ी हुई हैं, बहुत लोगों के साथ ऐसी है सिर्फ टेम्परेरी बनाया ओपन किया बस दैट्स इट. तो मैं आपके सब आपके लिए लेके आऊँगा और प्लस इसके साथ रिव्यूज़ डालूँगा कि क्या क्या इसके कंटेंट हैं और क्या क्या चीज़ें हैं कि इसे यूज़ करना है. अगर एरर्स आ रही तो हम जाके डायरेक्ट दुकान पर नहीं जाना, हमें घर में ही सॉल्व हो जाना है, बड़ा ज़्यादा मेजर इशू नहीं आने वाला इसमें. वो मैं जरूर आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर डालूँगा, प्लीज़ बने रहिए मेरी वीडियो पे. और अगर एरर्स वगैरह भी देखनी है तो प्लीज़ ये जो इंडस्ट्री लेके आया हूँ मैं इंडक्शन, तो ये आप लोगों के लिए है जो कि रेंटेड बंदे हैं, जो सिलेंडर विलेंडर से थोड़े इश्यूज़ आती हैं उन लोगों के लिए कि बार बार मंगाना, बार बार इधर से चेंज करना. तो जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, हॉस्टल के लिए भी. और बाकी पैकिंग वगैरह बड़ी ईजिली पैक हो जाता है और ये अपना जो है कभी इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती इसको लेके, कहीं भी यहाँ से वहाँ मूव ऑन करने में ले जाने में, बस ये नॉर्मल पैक करा अपना चलते बनाओ. सिलेंडर लेके चलो इतना दिक्कत आती है, फिर इसमें इतना कुछ नहीं है, नॉर्मल इतना जो है यूज़ करो. सेकंड थिंग और भी लोगों के लिए किफ़ायती चीज़ रहेगी, इसके अंदर इमीडिएटली गर्म होता है प्लस इसमें जो है जैसे प्लग करते हो आप कोई भी चीज़ रखते हो तो इमीडिएटली सिलेंडर गैस टाइम लगता है, मगर इसमें टाइम नहीं लगेगा. बहुत अच्छी चीज़ है और इसे कैसे यूज़ करना है मैं जरूर आपको ज़रूर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में. और कैसे कैसे इसमें एरर्स आ रही है वो चीज़ जो है मैं सॉल्व कैसे करूँगा वो आप प्लीज़ बने रहिएगा इस वीडियो पे. इन फ्यूचर मैं जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा प्लीज़ आपके कमेंट आने चाहिए कि अगर मैं अगर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, तो मैं आप प्लीज़ ये ज़रूर डालिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए.
थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं।